जिदेवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। यहाँ विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने डॉक्टर निरंजन अग्रवाल पहुँचे। अंचल के लोकप्रिय शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर टेस्ट श्रृंखला समय समय पर आयोजित की जाती है। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस सप्ताह यहाँ पर विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में DNB मेडिसिन डॉक्टर निरंजन अग्रवाल शामिल हुए। बताना चाहेंगे कि डॉक्टर निरंजन अग्रवाल ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से ही कोचिंग किया था और वर्तमान में वे मित्तल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्यार्थी यहां पर अपने ही संस्थान से पास आउट और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर निरंजन से मिलकर काफी हर्षित नजर आए। डॉक्टर निरंजन ने अपने अनुभव विद्यार्थियों से साझा किए और उनके काफी कुछ डाउट्स क्लियर भी किए। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन अग्रवाल है। मेरी कॉलेजिंग MBBS रायपुर मेडिकल कॉलेज से हुआ है एंड ग्रेजुएशन मैंने चंद्रकर हॉस्पिटल से किया है एंड मैं अभी एज फिजिशियन मित्तल हॉस्पिटल भिलाई में कार्यरत हूँ। मैंने 2009 में जब MBBS का टाइम एडमिशन लिया PMT के थ्रू, तब सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। डॉक्टर चिरंजीवी जैन सर के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की और सफलता प्राप्त की। आज अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनकर बच्चों का उत्साहवर्धन करना कैसा लगा? ये मेरे लिए एक हर्ष और गौरव की बात है कि मैं आज जिस जगह से पढ़ा उसी जगह में मुझे बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करने का ये अवसर मिला है। इसके लिए मैं सचदेवा PT कॉलेज और खासकर डॉक्टर चिरंजीवी जैन सर का शुक्रिया करता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सारे बच्चों से ही बोलना चाहता हूँ कि लगातार प्रयास करते रहें, सफलता आपको जरूर से मिलेगी। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर निरंजन अग्रवाल ने संस्थान की प्रशंसा दिल से की। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग अभी छत्तीसगढ़ में कोटा में पहले भिलाई को, ठीक है, और भिलाई का सबसे बेस्ट शुरू हो, तो ऐसे भी आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस ऐसे भी लेने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई जैसे करना है, अपने दिमाग में हावी होने देते हैं। सेकेंड चीज़, एक बहुत सारा डायलेमा होता है बच्चों की मीडियम को लेकर, ठीक है, कि मतलब मैं हिंदी मीडियम का हूँ या इंग्लिश मीडियम का हूँ या मेरे को मैं उससे सुपीरियर हूँ या उससे इंफीरियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो सिर्फ मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मीडियम का स्ट्रेस पहले तो नहीं लेना है, ठीक है। सेकेंड, एक कोई भी एक बुक या फिर स्टूडेंट का नोट्स हो या फिर उसका स्टडी मटेरियल। वहीं सचदेवा न्यू PT कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी उद्देश्य बताया। देखिए, आज दूसरे टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में 2009 बैच के हमारे डॉक्टर निरंजन अग्रवाल जो MD मेडिसिन भी हैं और वर्तमान में मित्तल हॉस्पिटल में सेवाएं भी दे रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और बच्चों को उन्होंने संबोधित किया और अपने दिनों को याद कर रहे थे कि जब वो उस समय दो मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में और दो मेडिकल कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन कितना था। अच्छा लगता है कि कोई पुराना जो हमारा छात्र है उसे हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं, तो लगता है कि हमारी सफलता में चार चांद लग गए और वो जो बातें बोलते हैं वो बच्चों को भी अच्छी लगती है, समझ में आती है कि भाई ये जो सामने शख्सियत है ये कभी ना कभी हमारे जैसी स्थिति में थे, तो उनकी बातें उनको ज़्यादा कारगर लगती है और अच्छी लगती है। बच्चे जो है उनको अपने बीच पाकर कैसे चर्चा उन्होंने की, किस तरह का जो उनके डाउट्स थे मन के वो क्लियर किए? सबसे पहले तो डॉक्टर निरंजन अग्रवाल खुद इतने खुश थे कि मैं इतने साल के बाद अपनी संस्था में फिर से आ रहा हूँ। उन्होंने बच्चों को यही बताया कि भाई देखो, जो स्थिति हमारी थी उस समय की, आज तुम उसी स्थिति से गुजर रहे हो, हम सफल हुए और हम ये बिल्कुल जानते हैं कि सफलता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई दूर की कौड़ी नहीं है, सफलता पाई जा सकती है। एक ही बात उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखो, रिविज़न करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करो, स्ट्रेस मत लो। कुछ पॉइंट्स उन्होंने जो बच्चों को बताए बच्चों ने उन्हें सुना और मुझे लगता है कि हर टेस्ट के बाद अगर हम किसी इस तरह की शख्सियत को बुलाते हैं तो बच्चों के लिए एक लाभकारी बात होगी कि वो अनुभवी लोगों से ज्ञान लेंगे। टेस्ट श्रृंखला में टॉपर रहे विद्यार्थी ने भी अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। मैं शिवापुरी गोस्वामी, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टेस्ट सीरीज़ में, वो भी सचदेवा की जो बहुत फेमस है टेस्ट सीरीज़, उसमें टॉप करना एक बहुत ही खुशी का मुझे लग रहा है
और इसमें टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका लेवल को मैं अपना ट्राई करूंगा कि अपने स्टॉप जो फर्स्ट रैंक है उसमें कंसिस्टेंट रहूं और अपने को इम्प्रूव करते रहूं। एक नीट एक पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी नीट क्रैक कर चुका है वो हम लोग के लिए वैसे ही एक बहुत बड़े मोटिवेशन के मोटिवेटर होते हैं हमारे लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि क्या एक रिवीजन का ढंग क्या होना चाहिए और रिवीजन का महत्व, जो अगर रिवीजन होते रहा तो हमारा सिलेक्शन में उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, इसी कारण जो हमारा रिवीजन की इम्पोर्टेंस है उसको समझाया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने स्ट्रेस के साथ कैसे कोप अप करें और नीट के को ज़्यादा एक हाइप ना करते हुए आसानी से क्रैक करने का टिप्स दिए। बहरहाल आयोजित टेस्ट श्रृंखला बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर मील का पत्थर साबित होती है। यही कारण है कि बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपना भविष्य संवारते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।